हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर आनंद बाजपेयी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है? क्या आपके पेशाब में बहुत सारा झाग आ रहा है? क्या आपको सुबह उठते ही क्या आपके पैर सूजे हुए रहते हैं? क्या आपका चेहरा सूजा हुआ होता है? तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लक्षण यदि आपको नजर आते हैं तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं किडनी संबंधित रोग हो सकता है, या फिर कहीं आप डायलिसिस के लिए डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है, या किडनी ट्रांसप्लांट। फ्रेंड, इन सब का जवाब अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं सीरम क्रिएटिनिन। आज इन सब के लिए जिम्मेदार सीरम क्रिएटिनिन, जो एक कहते ना वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के बाहर जाना चाहिए। तो सीरम क्रिएटिनिन ये वो कल्प्रिट है, यदि हमने इसको रिडक्शन कर दिया तो आप अपनी सारी किडनी संबंधित प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, दो तरीके से हम किडनी संबंधित रोगों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पहला, या तो हम उसको बनने से ही रोके, ये है पहला तरीका। फर्स्ट, कि हम कैसे हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बनने से ही रोक दिया जाए। और नंबर दो तरीका यह है कि जो बना हुआ क्रिएटिन लेवल हमारे बॉडी के अंदर है उसको कैसे हमारे किडनी से बाहर फ्लश आउट कर सकते हैं, यानी कि जिसका आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक यही है कि कैसे हम क्रिएटिन लेवल्स को रिडक्शन करके हमारे किडनी डायलिसिस से हम बच सकते हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए खुशखबरी है, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ना केवल मैं आज आपको जो कुछ टिप्स दूंगा किडनी को सही रखने के लिए, मगर मैं आज आपको कुछ दवाइयों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, ना केवल आयुर्वेदिक बल्कि होम्योपैथी भी। यस फ्रेंड्स, होम्योपैथी मेडिसिन जो किडनी में बहुत कारगर साबित होती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलते फ्रेंड्स, के आज का जो मेरा टॉपिक है, सीरम क्रिएटिन लेवल्स को कैसे कम किया जाए, और यदि कोई भी किडनी संबंधित यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कौन सी दवाइयां लेके या घर बैठे ऐसा कौन सा नुस्खा आप आजमा सकते हो जिससे कि इससे आपको छुटकारा पा सकते हैं। नंबर वन, यदि आप किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो हम 80% पहले बात कर लेते हैं उनके कारणों पे, कि 80% जितने लोगों की किडनी फेल हो चुकी है। फ्रेंड्स, किडनी फेल होने का मतलब होता है कि आपका सीरम क्रिएटिन लेवल 3.5, 4.5 के ऊपर। नॉर्मल क्रिएटिन लेवल्स आप अगर देखो, हम 1 के नीचे यदि रखते हैं, 1 से लेके 1.1, 1.2, तो आप नॉर्मल की कैटेगरी में हो। लेकिन हम जिस फेलियर की बात कर रहे हैं, हम जिसके इलाज की बात कर रहे हैं, तो ये 3.5, 4.5, 5, 6, 7, 8 क्रिएटिनिन्स की बात कर रहे हैं। तो यदि आज आपको भी 4, 5, 6 क्रिएटिन है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 80% जो किडनी फेलियर केसेस रहते हैं